कैमूर में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है, जहां दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। मामला चांद थाना के बबनियाव गांव का है। मंगलवार को विवाहिता मायके आने वाली थी, लेकिन ससुराल से विवाहिता की अर्थी निकली। विवाहिता ने अपने भाई को ससुराल से ले जाने के लिए 2 दिन पहले ही फोन किया था। मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन इशरत खातून की शादी 2013 में बबनियाव गांव के मुबारक अंसारी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। सब ठीक चल रहा था। एक वर्ष बाद से विवाहिता के पति द्वारा बार बार पैसे की मांग किया जाने लगा। मृतका की 2 बच्चे हैं। दोनों का जन्म ननिहाल में हुआ था, जिसमें हजारों रुपये खर्च हुआ, सब महिला के मायके वाले देते गए। 2013 में हम अपनी बहन को शादी कर रहे थे। जब शादी करें तो 2-3 साल सही चला उसका परिवार, ठीक है। और उसके बाद जब परिवार चलने लगा तो उसको लालच भर गया कि नहीं, मतलब हम पैसा लाओ, पैसा मांगो। तो हमारे बहन से हमेशा पैसा के लिए टॉर्चर करता था कि 5,000 मांगा, 3,000 मांगा। तो हम जब मांगता था हम देते थे। तो क्या हुआ ना, डिलीवरी जब होने लगा हम अपने बहन को, तो हम एक बार सदर अस्पताल में डिलीवरी करवाए और एक बार संध्या दीप जो भभुआ में है उसमें डिलीवरी कराए। उसमें हमारा लागत कम से कम 40 से 50 लगा। कुल मिलाकर हम उसको 3-4 लाख रुपये उसमें फूंक दिए। फिर भी हम उसको देते गए कि ज़्यादा हमारी बहन है, ये पैसे के लालच में इसको मार दिया गया। फोन हम चाहते हैं कि वो जो अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए, मतलब उसको जो है गला घोंट करके मारा गया है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसका इंसाफ हो जाए। जैसे मेरे लड़की का मतलब मौत हुआ है उसी तरह से उसका सब चीज। क्या नाम है किसका? आपका? मेरा नाम अख्तर अंसारी है। लड़की को बार बार मारेगा, पीटेगा, उसे दहेज मांगेगा, उसको सजा दिया जाएगा, इसका इंसाफ दीजिए। कैसे हुआ है घटना, क्या? अरे उसका भाई हमेशा पैसा देता है, ऑपरेशन करा करा कर 3-3 गो चर्चर को बच्चा हुआ यहीं पे, हमेशा दवाई करता है, इलाज करता है, हर चीज़ पहुंचाता है। अब उसका धुड़कबाजी से मुँह आया, कैसा मुँह आया, उसका फांसी देकर मुँह आएगा, उसके इंसाफ चाहिए। मेरे असगरी बेगम बुआ लगती हैं, मोहल्ले की बगल में किस हम हैं। ससुराल भगुआ में आए हुए हैं। मामला हमारे नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 का है। हमारी एक बहन को चांद थाना जो शादी हुई थी उसकी गले दला दबा कर हत्या कर दी गई है। और हम सरकार से चाहते हैं कि उसके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनके पालन पोषण के लिए तीनों बच्चों को कुछ ऐसी सहायता दी जाए जिनके उनका पालन पोषण हो सके और सही पढ़ाई लिखाई कर सके। और दोषी लोगों के लिए क्या मांग? दोषी लोगों को हम चाहेंगे कि सख्त से सख्त सजा हो, कि आइंदा कोई भी ऐसा गुनाह करने से पहले 10 बार सोचे, ऐसा सख्त सजा मिले।